बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा इंकशाफ विद असलम अंसारी। आज 31 अक्टूबर है 2023। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान की तारीख में बहुत से अहम वाक़यात अपने साथ लेकर आया है। जैसा कि पाकिस्तान बनने के बाद 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से ऐसे ही 27 अक्टूबर 1958 को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को माजूर करते हुए कुल्ली तौर पर इख्तदार संभाल लिया और यूं पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। अच्छा, इसके साथ ही साथ 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने भी कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और उससे 3 दिन पहले ही 24 अक्टूबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ की रियासत में जब मुदाखलत की तो वहाँ के हुक्मरान नवाब दिलावर खान जी को, नवाब महाबत खान जी को बहुत ही अफरा तफरी और बेसरो सामानी के आलम में पाकिस्तान आना पड़ा। कहा जाता है कि वो इतने उजलत में उनकी रवानगी हुई कि वो अपनी एक बेगम को भी वहीं छोड़ आए और सिर्फ अपनी एक बेगम, जो कि सीनियर बेगम कहलाती थी, उनके और अपने एक साहबजादे दिलावर खान जी को ही साथ ला सके। उसके अलावा उनके साथ जो सफ़र करने वालों में एक और अहम शख्सियत थी, वो थे जनाब सर शाहनवाज़ भुट्टो। जी, सर शाहनवाज़ भुट्टो के नाम से तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। ये रियासत जूनागढ़ के दीवान थे और हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद थे। नवाब महाबत खान जी जब पाकिस्तान आ गए तो कैंट स्टेशन के सामने एक बंगले में उनकी रिहाइश थी और कुछ दिन बाद, जैसे कहते हैं बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे कि एक रियासत का नवाब जब पाकिस्तान आया तो उसे किन हालात से गुजरना पड़ा कि 53-54 की बात है कि अखबारात में खबर आई कि रियासत जूनागढ़ की बेगम साहिबा ने अपनी एक मुलाजमा को कत्ल कर दिया और उस इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता था कि उन्होंने मुलाजमा पर तशद्दुद किया जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई और उन्हें बेगम जूनागढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, मुलाजमाओं पर तशद्दुद करने का सिलसिला तो अब भी आप देखते हैं माशरे में, लेकिन इस बात से ये बात ज़रूर पता चलती है कि उस ज़माने में कानून की हुक्मरानी ऐसी थी कि कानून ने बेगम जूनागढ़ को भी नहीं स्पेयर किया। अच्छा, मैं चूंकि बहुत छोटा था उस वक्त, तो मुझे उनके गिरफ्तारी की खबर तो याद है, लेकिन उसके बाद नहीं पता चला कि उन्हें उस मुकदमे में सज़ा हुई या क्या फैसला हुआ उसका, क्योंकि मेरे वालिद का ट्रांसफ़र सियालकोट हो गया था 54 के करीब, तो फिर कराची के अखबार से रब्ता मुनक़ता हो गया था। तो ये थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि नवाब महाबत खान जी तो 1959 में इंतकाल कर गए, उसके बाद उनके साहबजादे दिलावर खान जी को नवाब साहब की जगह उनका जानशीन मुकर्रर कर दिया गया और यूं दिलावर खान जी जूनागढ़ के नवाब हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में उस ज़माने में जूनागढ़ की आज़ादी के हवाले से और जूनागढ़ पर भारत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक दिन रस्मी तौर पर मनाया जाता था और जिसमें कि जलसे जुलूस या कुछ सेमिनार वगैरह हो गए और जूनागढ़ से की आवाम से इजहार यकजहती और
भारत की जारियत के खिलाफ करारदाद मजम्मत वगैरह मंजूर हो जाती थी, लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। अच्छा, वह गुजरते देर नहीं लगती, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और हत्ता के सन 70 के इंतखाबात में जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और बाकी मानदा पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान कहलाता था वो सिर्फ पाकिस्तान रह गया, ज़रा मशरक़ी और मगरबी का तो किस्सा ही ख़त्म हो चुका था। तो भुट्टो साहब पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए, उसके बाद सदर और उसके बाद उन्होंने वो मुंतखब वज़ीर आज़म हो गए। भुट्टो साहब ने दिलावर खान जी को, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत शरीफ उन्नफ्स, बहुत ही अच्छे, उन्हें सिंध का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। भुट्टो साहब की तरफ से इस नामजदगी के बाद अब राय अहमद दो हिस्सों में थी। एक तबके का ख्याल तो ये था कि भुट्टो साहब के वालिद के दिलावर खान जी के वालिद के मातहत थे और पाकिस्तान आए तो उन्हीं के साथ जहाज़ में आए, तो भुट्टो साहब ने उस उनके वालिद का एहतराम करते हुए और इस सिले में यानी उस एहसान का बदला चुकाने के लिए दिलावर खान जी को गवर्नर सिंध मुकर्रर किया है। इसके बरक्स कुछ लोगों की राय ये थी, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि दिलावर खान जी को सिंध का गवर्नर मुकर्रर करने के बाद पाकिस्तान ने जूनागढ़ पर अपना मौकफ को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि पहले दिलावर खान जी जो थे वो जूनागढ़ के बाशिंदे के तौर पर वो अपना मुकदमा या अपना मौकफ लोगों के सामने रख सकते थे, लेकिन अब चूँकि वो सिंध के गवर्नर ही मुकर्रर हो गए तो अब उनका वो इस्तेहकाक जो है वो ख़त्म हो गया है, उससे इनका केस कमज़ोर पड़ गया है। तो एक तो ये सबब था और दूसरा वो ये कहते थे कि भुट्टो साहब ने दिलावर खान जी को गवर्नर बनाकर अपनी अना की तस्कीन की है, उनको ये बताया है कि मेरा बाप क्योंकि तुम्हारे बाप का मुलाजिम था, मेरे वालिद ने तुम्हारे वालिद के मातहत काम किया था, तो अब मेरे पास मौका है कि अब तुम मेरे मातहत काम करो। अच्छा, ज़ाहिर है कि दोनों तरफ का मौका जो है वो अपनी अपनी का दुरुस्त है, अल्लाह बेहतर जानता है कि भुट्टो साहब की वाकई नीयत उन एहसान चुकाने की थी, वह एहसान का बदला देने की थी या अपनी ज़ाती अना की तस्कीन थी, इसका तो हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये वाक़ मैंने आपके सामने रख दिया, फैसला आप ख़ुद कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैंने आपको अक्टूबर के हवाले से बातें बताई थी कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान पर क्या क्या मुसीबतें परेशानियाँ लेकर आया। चलते चलते एक बात और, क्योंकि ये सब जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये तो इनका ताल्लुक सबका कौम से था, लेकिन चलते चलते एक अपने ज़ाती नुकसान का भी जिक्र कर दूं कि 31 अक्टूबर का दिन वो दिन है जब मेरी वालदा ने इस जहाने फ़ानी से कूच किया। तो अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत करे, आपसे भी दरख्वास्त है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। और एक बात कि जो जिनके वालदेन अभी बक़ैद हयात हैं, मेरी उन जवानों से, उन माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि अपने वालदेन की कदर करें, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं हासिल होता। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मगफ़रत फरमाए और जिन लोगों के वालदेन बक़ैद हयात हैं अल्लाह ताला उनका साया हमेशा कायम रखें और औलाद को अपने वालदेन की खिदमत
की तौफीक अता फरमाए। बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।